आज हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस लेंगे। बेसिकली लिमिट का हम लोग सेशन भी ले रहे हैं और एलटी ग्रेड का हमने सोल्यूशन डाला है, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है और फीडबैक दिए हैं, जैसे भी दिए हों, कुछ हमारे इम्प्रूवमेंट के बारे में दिया, तो मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप कुछ भी वहाँ पे रखेंगे तो मैं उसको ध्यान देता हूँ। और कैलकुलस के बारे में बेसिकली बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो कैलकुलस में हम लोग टॉपिक वाइज कैलकुलस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो लिमिट ले रहे हैं, लिमिट का सेशन जो ले रहे हैं उनको भी ये फ़ायदा होगा और इससे हमारा वो पार्ट भी कंप्लीट होगा एलटी ग्रेड वाला। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने बोला कि अभी पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाए, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए जा सकते हैं, वीडियो फिर बोरिंग होने लगता है लोग, तो पार्ट वाइज दे रहे हैं। और जिसको पर्सनली चाहिए वो कमेंट करे, मैं पर्सनली सारे सोल्यूशन उसको दूंगा, ठीक है। देखते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लिमिट हम लगाएंगे तो जैसे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ए अपॉन इन्फिनिटी दैट इज़ ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो वन प्लस ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी, मतलब वन प्लस ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी दैट इज़ वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था वन की पावर इन्फिनिटी को कैसे हैंडल करते हैं बाई ट्रिक्स, हमने कहा इस तरीके से बाइनोमियल वन प्लस एक्स की पावर एन के फॉर्म में दिया गया हो तो आप ई लिखिए, जो लिमिट लगी हुई है उस लिमिट को लगाइए और वन के अलावा, मेरी बात ध्यान दें, जो बिगिनर्स हैं या पहली बार देख रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें कि वन के अलावा जो यहाँ लिखा हुआ है उसको पावर में ही लिखेंगे, और जो ये पावर दी गई है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इतना हम लोगों ने कर लिया, ध्यान दिया, बार बार जो रिपीट किया गया वो ध्यान दें। अब हम लोग सिंपल इस लिमिट को सॉल्व करना है जो ऑलरेडी किसी ना किसी इंटीग्रल फॉर्म में होगी और वो ई के पावर में आंसर आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लें। ई की पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन ए अपॉन एन, और यहाँ पर इसको वन अपॉन एन लिख दें, ठीक। जब भी हम लोग, हमने बताया ही था कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट क्यों ना हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है जो हम लिखने वाले हैं, हमें साइन एक्स से अपॉन एक्स से मतलब नहीं, बार बार बताया गया, हम लिमिट को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे रखी गई लिमिट, यहाँ पे ये रखी गई, तो ये ज़ीरो को टेंड कर रहा है, ये ज़ीरो को टेंड कर रहा है, जब भी लिमिट अप्लाई करने पर इसका थीटा ज़ीरो टेंड करे तो ये वन हो जाएगा। जैसे यहाँ लिमिट रखें तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो वन, पर यहाँ पर जाके देखिए तो इन्फिनिटी टेंड कर क्या कर रहा है, इन्फिनिटी, तो ये वन नहीं होगा। हाँ, जो होगा वो मैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, देखें, ठीक, वन नहीं होगा। तो यहाँ अप्लाई करके देखते हैं तो ए अपॉन इन्फिनिटी दैट इज़ ज़ीरो, तो बन रहा है, यानी ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म हुआ, तो हम लोग बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर ए लिखेंगे यहाँ पर, तो ये साइन ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये वन हो गया पूरा, ओवरऑल क्या हो गया, ये वन हो गया। तो ई की पावर आंसर आप जान ही रहे हैं कि नन है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, दोनों काम हो रहे हैं, लिमिट वाले भी पढ़ें और वो भी देखें, ठीक। अभी एक मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ कि इससे ये एन नहीं काटें प्लीज़, यहाँ थोड़ा मेरा मतलब हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे करेंगे, मतलब ये साइन और प्रॉपरली ये ब्रैकेट लगाएं तो ऐसे लगा हुआ है, मतलब ये साइन थीटा ये है और एन उसमें मल्टीप्लाई में अलग से है, थीटा में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज ना हो, ठीक। मुझे थोड़ी हंसी इसलिए आ रही कि जैसा भी डिस्कस कर रहे थे वो मुझे लगा कि मुझे मैंने कहा भी कि पीछे वाले वीडियो पे जाएं, बट अभी हम आपको बता देते हैं। और उसी तरह का क्वेश्चन आया सिमिलर, उस कन्फ्यूजन पर सिमिलर एक क्वेश्चन आया, मैं बार बार बताता रहता हूँ, चलिए देखते हैं। अगर आप किसी लिमिट में किसी भी क्वेश्चन के फॉर्म में चाहते हैं, जैसे ये फॉर्म और ये फॉर्म बिल्कुल लगभग एक जैसा है, तो आप कभी कंक्लूजन पे नहीं जा पाएंगे। हमने हमेशा, आप कभी भी लिमिट को अप्लाई कर, कभी भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले लिमिट को अप्लाई करिए, ठीक। दोनों को अब इत्मीनान से हम लोग रखेंगे, ए लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो एक्स साइन वन अपॉन एक्स, और बी को भी आपके सामने रख रहे हैं, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट एक्स साइन वन अपॉन एक्स।
तो हमने बोला कि पहले आप लिमिट को अप्लाई करिए। तो जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी है, जब अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ अटेंड हो रहा है, ज़ीरो, कहाँ अटेंड हो रहा है, ज़ीरो, और यहाँ पर अप्लाई करने पर यहाँ पर इन्फिनिटी। हमने बोला कि एक बात ज़रूर ध्यान दें कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, आपने लिमिट लगाई, ये ज़ीरो को टेंड किया तो ये आंसर आया वन, और लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, लगभग फॉर्म एक ही जैसा है, तो आप ऐसे नहीं जाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स साइन एक्स, और वन अपॉन इनफाइनाइट डिस्कस कर चुके हैं जीरो, और इसका थीटा लार्ज हो गया, लार्ज हो गया, धीमे धीमे कहाँ बढ़ रहा है इनफाइनाइट की ओर, थीटा मतलब बोला गया लार्ज, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, बढ़ रहा है, लार्ज हो गया और वो जाके बढ़ रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। तो साइन एक्स में अगर ध्यान दें कि साइन एक्स कितना भी थीटा बढ़ जाए गोज़ ऑन और हमेशा वन और माइनस वन के बीच में रहेगा, तो कोई वैल्यू ज़ीरो इंटू ऑक्सीलेटिंग अगर होगा तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, वो वैल्यू ऑक्सीलेट कर रही वन और माइनस वन के बीच में, वन और माइनस वन कम, तो अनंत काल पर भी, अनंत पर भी क्या होगा, वन और माइनस वन के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, बट वो क्या होगी ये नहीं पता। उस फाइनाइट वैल्यू में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाए, जैसे स्प्रिंग बहुत तेज़ ऑक्सीलेट कर रही है, अब हाथ लगा देंगे तो शांत हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पर ये ज़ीरो बन रहा है तो आप उस फॉर्म को चेंज करिए, ज़ीरो साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो फॉर्म बनाइए, तो साइन वन अपॉन एक्स बेसिकली दिया गया था, इसको हम यहाँ पे वन अपॉन एक्स लिख देते हैं, तो इसका आंसर आ गया वन। अगर चाहें तो हम यहीं से काउंटर कर सकते हैं कि बी की वैल्यू वन कहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, तो आप जान गए होंगे कौन है, मगर खैर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ये ऑक्सीलेटिंग बन रहा है और ये ज़ीरो इंटू ऑक्सीलेटिंग हो गया, ज़ीरो इंटू ऑक्सीलेटिंग ज़ीरो हो गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ा सा मतलब करेक्शन हम कर रहे हैं, वो लाइक एज अ ह्यूमन मिस्टेक, बट हमने जब बोला होगा तो प्रॉपर वे में बोला होगा, उस पर ध्यान दें, ठीक। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस को हम लोग लिमिट का ही ले रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी है। देखा जाता है कि जब भी अननोन की वैल्यू जब भी हम लोग फाइंड करना करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं हम लोग, तो देखते हैं एज ए शॉर्टकट हम बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, अगर इसकी फाइनाइट वैल्यू है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगा, आपने डीएल हॉस्पिटल लगा दिया, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। डिफरेंशिएशन करने के लिए ए अपॉन, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन बता देते हैं हम लोग, डी अपॉन डी एक्स रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी, तो जब भी आप डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। सिंपल यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, टू टाइम्स रूट ए एक्स प्लस बी, फिर अगेन ए एक्स प्लस बी का होगा तो एक्स का ए और प्लस ज़ीरो, तो वही हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा, ठीक है। थ्री का डिफरेंशिएशन, थ्री का ज़ीरो, वन एक्स का वन और टू का ज़ीरो। डीएल बता कहता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन करिए और नीचे का, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिया, इसका यहाँ किया, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गई, लिमिट अप्लाई कर दी, तो एक्स की जगह कितना रख दिया टू, तो टू रखने पर हमारा ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। या तो हम लोग सॉल्व करें या ऑप्शंस देख लें, तो ऑप्शन नंबर ए को वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू थ्री रखने वाले हैं, तो जब हम रखेंगे तो यहाँ ए की जगह थ्री हो जाएगा अपॉन टू, और टू ए का मतलब सिक्स प्लस थ्री, ये नाइन हो जाएगा, नाइन का रूट थ्री हो जाएगा, थ्री बाई थ्री कैंसिल तो वन बाई टू आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही था, ठीक है। लिमिट का एक अच्छा क्वेश्चन है, समेसन ऑफ द सीरीज, समेसन ऑफ द सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, वो इंटीग्रेशन के भी पार्ट हैं, और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद वो जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा कन्फ्यूज होता है, हो सकता है कि ऐसा ना हो कि ये सिक्वेंस सीरीज या एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम सीरीज का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले लिमिट
का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के सारे हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन प्लस वन वन अपॉन एन प्लस टू डॉट 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 सिक्स एन, ऑप्शन आपके सामने हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो अभी फॉर्मेट है इस पर अभी बात करेंगे कि किस तरीके से ये लिखा गया, तो अभी थोड़ी देर बाद ध्यान देने वाले हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग सीरीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो n प्लस वन एन प्लस टू आगे जाएगी तो n प्लस थ्री एन प्लस फोर, तो जो भी होगा वो n में जुड़ेगा, तो 6n है तो n में जुड़ेगा, तो n प्लस कितना जोड़े 6n बन जाए 5n, तो n प्लस 5n। अब हम लोग देखेंगे कि समेशन लिखने वाले हैं, इस सीरीज़ को समेशन में लिखने वाले हैं। हम देखें वैरी क्या कर रहा है, तो अगर देखें तो वैरी क्या किया, वन से शुरुआत हुई फिर टू फिर थ्री और जाते जाते, हाँ तो ये देखते हैं, तो शुरुआत कहाँ से हुई आर की वैल्यू वन से, फाइनल कहाँ पे पहुँची फाइव एन, ठीक। अब ये कांस्टेंट है और वन अपॉन में है तो वन अपॉन एन, वेरी क्या कर रहा है आर, तो इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने इस सीरीज़ को लिखा। लिमिट लगी थी एन टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज़, तो इस स्टेप से इस स्टेप पर कैसे आए, इस स्टेप पर स्टेप पर कैसे गए, ये देख समझ में आया ना, इतना हर क्वेश्चन में कर सकते हैं हम लोग, इसको हमें ऐसे लिखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिखाया गया है कि समेशन में हमने लिख दिया बट n को कॉमन लेंगे, वन अपॉन n में रखेंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पे दिखाया, इस n को यहाँ से कॉमन लिया तो वन प्लस आर अपॉन n हुआ, इस n को समेशन हमारा r पे लगा है तो इस n को हम बाहर ला सकते हैं, मगर इससे बाहर इसलिए नहीं ला सकते हैं कि लिमिट लगी हुई है n पे ही, तो इस वन n को यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब ने यहाँ देखो दिखाया है, इस फॉर्मेट में हमारा ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में चेंज हो गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगी है, यहाँ पे भी लगी है, वन अपॉन एन है, वन अपॉन एन है, समेसन वहाँ ए से बी तक है या वन से लेके फाइव एन तक, इससे हम कंक्लूड करने वाले हैं कि ए बराबर वन है और बी बराबर फाइव एन है। अब फंक्शन में जहाँ पर भी, तो यहाँ फंक्शन ये है वन अपॉन वन प्लस आर अपॉन एन। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कि जो समेसन है वो जो समेसन है वो इंटीग्रेशन फंक्शन नहीं, इंटीग्रेशन में चेंज होने वाला है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स। देखो डी एक्स क्या है, वन अपॉन एन की जगह हम लोग क्या करने वाले डी एक्स, तो समेशन का साइन चेंज हुआ इंटीग्रेशन के साइन में, वन अपॉन एन डी एक्स में हुआ, और जहाँ पर भी आर अपॉन एन होगा वहाँ क्या रख देंगे एक्स, तो यहाँ पर है तो वन अपॉन वन प्लस आर अपॉन एन की जगह क्या एक्स। अब केवल हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है और लिमिट तय करनी है, क्या तय करनी है लिमिट, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट अप लोअर लिमिट और अपर लिमिट आती कि नहीं आती है, हाँ तो हम लोग लिमिट कैसे तय करेंगे, ध्यान दें, समेशन जहाँ शुरुआत हो उसका ए माना था, समेशन जहाँ तक गया उसको क्या माना बी, अब हम लोग क्या करें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर अपॉन एन में लगाएंगे, कि आर अपॉन एन को ही हमने एक्स माना है और इसकी इसी के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स ही हमारा एलिमेंट है, ठीक है, तो x ही हमारा तय कर, x की वैल्यू ही लिमिट होगी, तो r अपॉन n में अब शुरुआत वाली लिमिट लोअर लिमिट तभी होगी जब समेशन शुरुआत हुआ, तो हम r की वैल्यू 1 रखेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हमने बोला कि अभी ये रखने वाले हैं तो 1 अपॉन n दैट इज़ 0, तो लोअर लिमिट हमारी क्या तय हुई। अब इसी फिर स्टेप में ध्यान देंगे r अपॉन n में ही हमें अपर लिमिट तय करनी है, तो अब ये b वाली वैल्यू जो हमारा समेशन जा रहा है वो रखने वाले हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आर की जगह क्या रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी अपर लिमिट है तो 5n अपॉन n दैट इज़ क्या आ गया 5, तो अपर लिमिट आ गई 5, क्या आ गई 5, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट कह सकता है कि वो हो गया 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ log 1 प्लस x हो जाएगा, लिमिट तय हो गई log 6 और log 1, तो log 1 0, तो आंसर log 6 कहीं है। जो क्वेश्चन आया था मेन पेपर का क्वेश्चन था वो बेसिकली ये था, हमने यहाँ पे दो क्वेश्चंस अपनी तरफ से ऐड किए हैं थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए, यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी की कि जीरो प्लस किया गया, तो जीरो का प्लस का मतलब बता दें कि जीरो से थोड़ी बड़ी वैल्यू, अब जीरो से बड़ी है तो आर एच एल, और जब माइनस लिखा होता तो क्या होता है एल एच एल, यहाँ पर लिखा है तो मतलब एल एच एल आर एच एल दोनों चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो हम लोग केवल आर एच एल पे जा रहे हैं। आर एच एल का मतलब है कि लिमिट हमने एच का सहारा लिया और जीरो प्लस समथिंग, मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा कुछ डालने वाले हैं,
तो हमने यहाँ पर इसको हमने इससे कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब एच रखेंगे तो वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच प्लस वन। अब हम लोग देखेंगे जब भी लिमिट लग रही तो ये बढ़ रहा है पावर इसकी क्या है गोज़ टू इनफाइनाइट मतलब बढ़ इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि कॉन्टीन्यूसली धीमे 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 लगातार कोई चीज़ बढ़ती चली जाए और लिमिट को क्रॉस करे तो फिर वो अनंत की ओर ही जाएगी। अब जब ये अनंत की हो जाएगी कोई पावर तो किसी नंबर की पावर जैसे बढ़ती है तो हम दो पैटर्न वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप ध्यान देना कि 2 की पावर 2 हुआ 2 की पावर 2 4 हुआ 2 की पावर 3 8 हुआ। पावर बढ़ाएंगे जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे नंबर बढ़ रहा है पावर और बढ़ाएंगे नंबर बढ़ेगा तो पावर जब हम इतना बढ़ा देंगे इसका कि बहुत हो जाए तो इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। अब हम देखें 0.1 की पावर 1 0.1 0.1 की पावर 2 0.1 0.1 की पावर 3 तो यहाँ पर अगर हम नंबर की पावर बढ़ाते हैं तो देखा कि ज़ीरो हो गया क्या हो गया तो अब देखा जाए कि बेस जब 1 से बड़ा है ए की पावर एक्स में अगर हम यहाँ एक्सप्लेन करें कि बेस जब 1 से बड़ा है तो लिमिट लगाएंगे यहाँ पे और बेस जब 1 से छोटा है तो लिमिट लगाएं तो आंसर क्या आएगा तो 1 से छोटा है फॉर एग्जांपल दिस तो जीरो आएगा और 1 से बड़ा है तो एग्जांपल दिस इन्फिनिटी। तो हमने जब लिमिट यहाँ लगाई तो ई की पावर ई मतलब 1 से बड़ा है 2.7 पावर बढ़ाएं तो इन्फाइनाइट तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गया यहाँ पर तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को क्या करते हैं हम लोग जो इन्फिनिटी बन रहा होता है उसको कॉमन लेते हैं ये इन्फिनिटी बन रहा कॉमन वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच यहाँ पर भी ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन लिया तो वन प्लस वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच ये नंबर बड़े काट दिया और ये क्या इन्फिनिटी जाएगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो यहाँ पर भी क्या होगा जीरो तो वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो तो आंसर वन आ गया। ठीक है आंसर आपका काम बी ऑप्शन हो गया बट यहाँ पर देखें अगर इसमें देखते हैं अभी हमने क्या किया आरएचएल तो सीख ही ली आरएचएल को सेम वही है यहाँ पे ई लिया गया था यहाँ पे टू लिया गया एलएचएल चेक करेंगे एलएचएल कैसे चेक करते हैं जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो से कम के लिए तो हमने एच लिया और एच एक पॉजिटिव है जीरो से घटा देंगे तो जीरो से छोटा नंबर हो गया तो हम लोग माइनस एच रखने वाले ओवरऑल क्या रखने वाले माइनस एच यहाँ पे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 की पावर माइनस वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन 2 की पावर माइनस वन अपॉन एच और प्लस वन। तो अब हमने बोला कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर माइनस एक्स तो बेसिकली है क्या लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 की पावर एक्स। अब देखो बेस क्या हुआ 1 से छोटा हो गया तो ये ज़ीरो हो गया तो ऐसे यहाँ पर भी ये ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया तो अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन वन तो माइनस वन आ गया। तो अगर यहाँ पर ये न करके ऐसे कर देते तो लिमिट का आंसर क्या आता वन आता और माइनस वन तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता बात ध्यान देने वाली बात है प्लस को हटा देते अगर माइनस कर देते तो माइनस वन आता प्लस कर देते तो वन आता हटा देते तो डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे बेसिक लेवल पे देखा जाए तो अच्छे क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए लिमिट पढ़ने वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और देखा जाए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप लाइक करें सब्सक्राइब करें हाँ मगर आप पढ़ रहे हैं अगर आपको कोई एक बच्चा भी पढ़ रहा है और उसको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है थोड़ा सा भी मोटिवेट हो रहा है तो अगर वो लगन से पढ़ रहा है तो मेरे पास वो अपने चीज़ों को जरूर रखे मैं और प्रयास करूँगा मावला क्लासेस मन से प्रयास करेगी आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं लिखने की मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है टीचर क्या पढ़ा रहे हैं ऐसा बहुत ही अच्छा टीचर है कभी देखा नहीं ऐसा कुछ भी मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ ज़रूरत है बस आप अपना उद्देश्य पूरा करिए हम लोग आपके साथ हैं।